खबर मध्य प्रदेश के गुना जिले से है, जहां शहर के ईदगाह में बड़े इलाके में कुया क्षतिग्रस्त हो गई है। बता दें कि इलाका कुशवाहा बाहुल्य क्षेत्र है। यहां के लोग अपना जीवन यापन करने के लिए सब्जियों का व्यापार करते हैं, लेकिन जिस रास्ते से लोग आवागमन करते हैं उस रास्ते की पुलिया क्षतिग्रस्त हो चुकी है, जिस पर नगर पालिका और नेताओं का कोई भी ध्यान नहीं है। पुलिया के क्षतिग्रस्त होने के कारण यहां पहले भी दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। जानकारी के मुताबिक वार्ड पार्षद से लेकर सीएमओ तक शिकायत की गई है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर पुलिया का निर्माण नहीं हुआ तो कुशवाहा समाज के लोग हनुमान चौराहे पर धरना प्रदर्शन और चक्का जाम करेंगे। गुना से प्रताप सिंह, प्रभाकर की रिपोर्ट। कुशवाहा समाज के 3 से 4 लाख करीब वोट है, अगर प्रशासन ने हमारी मांग पूरी नहीं की तो प्रशासन को इलाका रख देंगे। अगर किसी घटना हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, नगर पालिका को 20 लाख रुपये उसको परिवार को देना पड़ेगी। 20 लाख रुपया महेश पड़ेगी, उसका खर्चा महेश देगा। इसका तुरंत निर्माण कराया जाए। देखिए आप खस्ता हालत है, बहुत ज़्यादा खस्ता हालत है। पूर्व में 2010 में इस पुलिया पे गिर के गोपाल बाबू कलेक्टर साहब के गोपाल बाबू रिटायर है, वो गिरे, हमारे भाई भी गिरे, जो कि उनके गिरने से उनकी मौत हो गई थी। जब से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी नगर पालिका ने। सीवर लाइन खुलवाने के बाद नगर पालिका ने लाखों रुपये टेंडर के वो सीवर लाइन वालों से ले लिए, लेकिन मरम्मत नहीं कराई गई।